डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती करारे आज के फंडामेंटल्स ऑफ ICT यह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट सेशन में हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र, डेटा और इन्फॉर्मेशन, यह टॉपिक पढ़े थे। आज के सेशन में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यह टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स क्या है उस बारे में देखते हैं। आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स है आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड आइडेंटिफाई सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। मतलब आज का टॉपिक पढ़ने के बाद हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं यह हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान पाएंगे और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी हम आज के टॉपिक के बाद पहचान पाएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। लास्ट सेशन में हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में एक शॉर्ट व्यू लिया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र के लिए उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो फुलफिल करने के लिए बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है फिर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह यूज़र ने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, यूज़र के लिए बनाया है और यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाया है। उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए उन्होंने वो सॉफ्टवेयर खुद के लिए बनाया हुआ है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंट्रोल सॉफ्टवेयर, मेजरिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बारे में आज हम सिर्फ बेसिक या जस्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन, आज के सेशन में हम सिर्फ इतना पता करेंगे कि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है और यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स है। और यह हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कौन से और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कौन से। तो जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू हम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में लेते हैं। सो व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर के थ्रू हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जहाँ यहाँ डायग्राम में हमें दिख रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग लिखा है, यहाँ क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट, इस तरीके से ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है तब हम उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वह है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसका मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं हम, तो इसका मतलब जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट अगर हम बनाएंगे तो उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा, उसको एडिट करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा और उसको प्रिंट करना पड़ेगा। और यह सब प्रोसेसेस हम किसके थ्रू करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। जनरली हम MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यह सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। MS का लॉन्ग फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट यह कंपनी का नाम है। इसके अलावा भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स वर्ड प्रोसेसर, ओपन ऑफिस राइटर, वर्ड परफेक्ट एंड गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट्स यह वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब होता है
यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ही है, बट यहाँ पे हम जो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, जो स्टोर करते हैं, वो रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ दिख रहा है, देखो, रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में जो हम डेटा यहाँ स्टोर करते हैं, और उसे बोलते हैं हम स्प्रेडशीट। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जनरली कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कंट्रोल सॉफ्टवेयर। कंट्रोल सॉफ्टवेयर यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प लेके बाकी प्रोग्राम्स को रन करने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। कंट्रोल सॉफ्टवेयर ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स भी बोला जाता है। जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजर्स, कंपाइलर्स, ब्राउज़र एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यह कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग सॉफ्टवेयर। यह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मेजरिंग सॉफ्टवेयर्स का जनरल यूज़ इसलिए होता है, मेजरिंग सॉफ्टवेयर जनरली इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि बेटर मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए हमें जो डेटा मिलता है वो हमें मेजरिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलता है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिक गोल्स और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने के लिए या फिक्स करने के लिए मेजरिंग सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। मेजरिंग सॉफ्टवेयर में एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमें ध्यान रखनी है, वो है सॉफ्टवेयर मेट्रिक। सॉफ्टवेयर मेट्रिक का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ मेजर, मतलब मेजर करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं मेट्रिक। तो सॉफ्टवेयर मेट्रिक यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए, वर्क आइटम्स को प्लान करने के लिए और सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम सॉफ्टवेयर मेट्रिक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोटो एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इसके बारे में आप सबको, मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो हम ये देखते हैं कि फ़ोटो एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम वीडियोस को मैनिपुलेट करने के लिए, रीअरेंज करने के लिए और फोटो शॉट्स क्रिएट करने के लिए, फ़ोटो शॉट का हेल्प लेके न्यू वर्क क्रिएट करने के लिए करते हैं। कुछ कॉमन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे नीरो, कोरल वीडियो स्टूडियो, फिल्म मोरा, साइबर लिंक, पावर डायरेक्टर, अडोब प्रीमियर एलिमेंट्स, पिनाकल स्टूडियो, यह कॉमन फोटो एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स है। नेक्स्ट डिवाइस ड्राइवर यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके थ्रू डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाता है और कंप्यूटर के साथ अटैच्ड करने के बाद वो डिवाइसेस को एक्टिव बनाया जाता है। जैसे अगर हम प्रिंटर यूज़ करना चाहते हैं, प्रिंटर से अगर प्रिंटिंग करना चाहते हैं, तो सिर्फ प्रिंटर यह डिवाइस कंप्यूटर को केबल के थ्रू कनेक्ट करने से हमारा प्रिंटिंग नहीं होता है। वो प्रिंटर के साथ एक सीडी मिलती है जिसमें वो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए रहते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस दिए रहते हैं, और हमें वो सीडी के थ्रू वो प्रिंटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वह इंस्टॉल करनी पड़ती है हमारे कंप्यूटर में, और उसी को बोलते हैं हम डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल किए बिना हम वो डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, और वो डिवाइस के साथ हमें वो सीडीज़ मिलती है या वो डिवाइस के साथ हमें वो प्रोग्राम्स मिलते हैं, हमें वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ते हैं तभी हम वो डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ किया जाता है कि
2D इमेजेस को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। इमेज मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर से या ग्राफिक्स मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर का हेल्प करके हम फोटोज़ को उसका मेकअप कर सकते हैं, फ़ोटोज़ का टचअप कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को फिनिश कर सकते हैं, फिनिशिंग टच दे सकते हैं और उसको रिसाइज कर सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफिक्स मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर्स आर GIMP, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पीजैप, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एंड पिकासा। यह सब ग्राफिक्स मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है हमारा, अभी तक हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स देखे थे, अभी हम देख रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसका रिव्यू भी हमने लास्ट क्लास में लिया था। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यह एक ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में इंटरफेस करता है, दोनों के बीच में इंटरैक्ट करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यह हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेट करता है। कॉमन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, यहाँ कुछ कॉमन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स दिए हुए हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कंपाइलर एंड लिंकर। यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स, उबंटू, IBM, विंडोज, यह कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। डिवाइस ड्राइवर्स है, यह एक ऑल्सो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यह हम डिवाइस को इंस्टॉल करने के यूज़ करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में एंटीवायरस, बैकअप सिस्टम्स, यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आता है। कंपाइलर और लिंकर यह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक लैंग्वेज के प्रोग्राम का मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, कोई भी लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर हमने प्रोग्राम लिखा है तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यह कंपाइलर और लिंकर, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड यूटिलिटीज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस करता है, बीच में इंटरैक्ट करता है। यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको मेंटेन करता है। कंप्यूटर रिसोर्सेज मतलब जैसे प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, दीज आर द कंप्यूटर रिसोर्सेज। प्रिंटर है, ये सब कंप्यूटर रिसोर्सेज है, इनको मैनेज करने का काम कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर एंड डिस्क टूल्स। यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह हमने आज के टॉपिक में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में नॉलेज कलेक्ट किया। अभी हम नेक्स्ट टाइम हम नेटवर्क एनवायरनमेंट, नेक्स्ट सेशन में हम नेटवर्क एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।